हाय, मैं हूँ ऋषिता भट्ट और आप मुझे देख रहे हैं सिने स्पीक्स पे। हाय, वेलकम ऑन सिने स्पीक्स। सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन, ट्रेलर बहुत इंटरेस्टिंग है और आपका रोल भी, तो थैंक यू। कुछ बताइए और थोड़ा सा डिटेल अपने रोल के बारे में। चित्रांगदा सिंह जो मेरे किरदार का नाम है, मॉडर्न डे क्वीन है। जैसे हमने बहुत पीरियड ड्रामा देखा है, तो एक तरीके का पीरियड ड्रामा है सेट इन दी 80s। और क्योंकि आपने अगर जैसे सीरीज़ आप देखेंगे तो यू नो शी प्लेज दैट काइंड ऑफ रोल, कहाँ एक जैसे रानी, पुराने ज़माने की रानी कहें तो हमें वो पुराना एक इमेज आता है, बट मॉडर्न डे जो रानियाँ होती हैं वो ऐसी ही होती हैं, यू नो घूंघट होती है, लिटिल लिटिल ज्वेलरी, जिस तरीके से उनका व्यवहार होता है लोगों के साथ, जो काम वो करती हैं, बोल जिस तरीके से वो बोलती हैं, तो मुझे लगता है कि चित्रांगदा सिंह मेरे लिए एक बहुत अलग किरदार था। मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि मैं ऐसे घूंघट डाल के, सिंदूर पहन के, इतना बड़ा टीका लेके, क्योंकि उस कैरेक्टर की ऐसी डिमांड थी। और बहुत ही एक मैं कहूँगी कि वो समझदार औरत थी, है चित्रांगदा सिंह, बहुत अच्छी तरीके से जानती है कि क्योंकि अगर आपका पति राजा होता है तो एक शासन जो होती है, यू नो हाउ टू हैंडल पॉलिटिक्स, व्हाट टू डू, समझदार औरत है। एंड आई थिंक शी वाज फॉर हर हस्बैंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वुमन एक पॉइंट तक। एंड एक मैंने जैसे भी, अगर आप ऐसे कभी भी पावरफुल कपल को कपल्स को देखे तो यू नो द वुमन स्टैंड्स अप एंड ऑलवेज इज द यू नो स्ट्रेंथ ऑफ अ मैन। तो उस अटायर में आने के बाद पर्टिकुलरली कुछ एक बोलने का तरीका बदल जाता होगा या कुछ हाव भाव? चित्रांगदा सिंह एक ऐसा किरदार है जो क्योंकि वो समझदार है, बहुत एक तरीके से वो बोलती है, बहुत स्ट्रेंथ है उसमें, उसकी आवाज़ में, जिस तरीके से वो चलती हैं या फिर बातें करती हैं, जब आप ऐसे ही उसे देखो तो लगता है कि अरे ये तो बहुत ही साधारण सी, एक सिंपल सी लेडी है, बट जैसे ही वो बोलना शुरू करती हैं, और चाहे वो कम बोले ज़्यादा बोले, बट उसे पता लग जाता है कि वो सोचती कैसे है, और लगता है कि बहुत ही सहमी हुई होगी, बट आई थिंक वो बहुत ही बोल्ड है अंदर से। कई छोटे छोटे शॉर्ट्स में आपने देखा भी होगा कि सिगरेट पीना या फिर बोल्ड डायलॉग्स बोलना, या फिर यू नो जिस तरीके से आप सोचते हैं वैसी नहीं है वो। और चित्रांगदा में शेड्स हैं, तो एक स्ट्रेट कैरेक्टर नहीं है। बहुत सारे कैरेक्टर्स और भी हैं सीरीज में, तो आपको लगता है सही स्पेस दी जाती है ईच एंड एवरी कैरेक्टर को, सबको उनके रोल के? ये तो डेफिनेटली सबके रोल के हिसाब से ही हो सकता है, क्योंकि बिकॉज ये OTT प्लेटफॉर्म पे है, ये वेब है, कहानी आप कह सकते हैं, कई बार ये तो 8 एपिसोड में बटी हुई है, लेकिन कई बार उसमें भी उसको रखना डिफ़िकल्ट होता है, हर एपिसोड की एक टाइमिंग होनी ज़रूरी है, पर अल्टीमेटली जो कहानी में हर किरदार कहना चाहता है वो अल्टीमेटली आ जाता है। ऐसा नहीं होता कि आप कोई किरदार को कमज़ोर सोच सकते हैं, हर एक किरदार की एक अलग ही खूबी है। आपको लगता है OTT प्लेटफॉर्म में ज़्यादा वेरिएशन होता है खुद को साबित करने का, या फिर अपने रोल्स को और ज़्यादा बखूबी सामने, क्योंकि फिल्म तो एक फ्लो में? फ़र्क इतना ही है, जबकि मैं बहुत ही ज़्यादा फिल्मों में आई लव सिनेमा, पर अब क्योंकि एवरीथिंग हैज़ चेंज्ड, एज एन एक्टर आपको एक्सपेरिमेंट करने मिलता है, लेकिन मुझे लगता है कभी भी अगर आप एक कोई ऐसी कहानी उठाते हैं जिसकी लेंथ लंबी है एंड यू नो यू वांट टू टेल मोर, लेंथ वाइज ये प्लेटफॉर्म बहुत फ़ायदेमंद है। आपकी कोई फेवरेट ऐसी सीरीज़ या फिर क्या देखना पसंद करती हैं आप? सब बहुत सारी सीरीज़ है, पर अभी तो मैं यही कहूँगी कि आप लोग सब चार्जशीट देखें। कुछ फ़र्क लगता है फिल्मों में एक्टिंग करने से और इसमें कुछ टेक्नीशियंस या कुछ टेक्निकली जो? नहीं, इनफैक्ट हमारे तो DOP भी मेरी एक फिल्म कर चुके थे शूट, और संतोष जी, और यहाँ पे ऐसा कोई माहौल भी नहीं है, सब कुछ सेम है, इनफैक्ट सिंग साउंड भी था, एंड आई थिंक कोई फ़र्क होता नहीं है। एंड जिस तरीके से शूट किया गया है, अल्टीमेट जो आप रिजल्ट देख रहे हैं, आई थिंक इट्स ब्यूटीफुल एंड ग्लॉसी। सेट पे कैसा माहौल होता था जब इतने सारे एक्टर्स एक साथ होते हैं? ओह ग्रेट फन, सबके साथ एक अलग ही, ये सेट पे ये मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि हर एक की दोस्ती थी, और हर एक एक्टर एक दूसरे को सपोर्ट करता था एंड किया भी है, हर एक में एक अलग ही फ्रेंडशिप थी ना, वेदर इट वॉज सिकंदर खेर, अरुणोदय सिंह, त्रिधा, शिव, देन देयर वाज सतीश कौशिक, अश्विनी, यू नो किशोरी शाने, जितने भी किरदार छोटे बड़े सारे एक बहुत ही
यू नो क्रिएटिव माहौल था, फन लविंग था एंड सब लोग आई वुड से बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव थे. सब लोग बिल्कुल ऑन टाइम सेट पे आते थे यार, कभी किसी का वेट करना पड़ा या कभी ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ हो जहाँ बहुत फनी सा? पहले दिन मैं लेट हो गई और मेरे डायरेक्टर को लगा कि यू नो इतना वक्त क्यों लग रहा है. तो मैंने कहा सर आप मेरी बी इन माई शूज़ एंड प्लीज़ बी अ गर्ल वन डे एंड सी. क्या होता था कि यू नो वो ड्रेप करना, साड़ी का वो पल्लू लेना, हेयर करना. हाँ हाँ नेचुरली ठीक है, नेचुरली ठीक है. मैंने कहा नेचुरल सर बट यू नो हु विल गेट द पल्लू. सो आई थिंक उनको ये वक्त लगा समझने में कि यू नो फ्रॉम चेंजिंग फ्रॉम. अच्छा कई बार ये होता था कि एक सीन के बाद दूसरा सीन हम शूट करते थे, तो स्पेशली अगर किसी लोकेशन पे हो तो कई बार यू नो गेटिंग फ्रॉम दैट सेम कॉस्ट्यूम टू अ कंटिन्यूटी कॉस्ट्यूम वक्त लगता है. तो एक आध दिन उनको थोड़ी सी डिफिकल्टी हुई, देन वो समझ गए. एंड ये होता है कई बार, मेन गेट रेडी इन 5 मिनट्स, वुमेन टेक टाइम. विशलिस्ट है आपकी कोई, कुछ ऐसा पर्टिकुलर ड्रीम रोल, कुछ ऐसा ड्रीम प्रोजेक्ट जो आपको? मैं कोई भी ऑथोबैक्ट रोल या तो फिर एक डबल रोल ज़रूर करना चाहूँगी. और कोई पर्टिकुलर डायरेक्टर के साथ ऐसा कुछ? द स्क्रिप्ट हैज़ टू बी एक्साइटिंग एंड वेरी पावरफुल. सो हमारे व्यूअर्स को बता दीजिए, अपने फैंस को बता दीजिए कि कब आ रही है और क्यों देखें इसको. Chargesheet is already airing on you know Zee5 premium and आप देख सकते हैं. एक बहुत ही interesting कहानी है and मैं आपको दावा दे सकती हूँ कि जैसे ही आप first episode देखेंगे आप 8वें episode तक बैठे रहेंगे. क्या बात है, हमारी तरफ से भी wish you all the best. Thank you so much.